इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फ्रेंड्स कि आप दोस्तों iQube के मोबाइल फ़ोन में दोस्तों जो है स्क्रीन रिफ्रेश रेट को आप कैसे जो है बढ़ा सकते हैं या स्क्रीन रिफ्रेश होने का स्पीड आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करिएगा, पास वाले नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर जरूर क्लिक करिएगा। इसके लिए आपको जाना है अपने iQube मोबाइल फ़ोन के सेटिंग में, और सेटिंग में जाकर यहाँ पर आपको आना है नीचे। नीचे आने पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस का, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसमें आपको नीचे आना होगा, तो नीचे आने पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा स्क्रीन रिफ्रेश रेट का, इस पर क्लिक करिए। अब देखिए बाय डिफॉल्ट आपके फ़ोन में या तो स्मार्ट स्विच सेलेक्ट होगा या फिर 60 हर्ट्ज। तो 60 हर्ट्ज सेलेक्ट रहता है तो क्या होता है कि आपका स्क्रीन का रिफ्रेश दोस्तों स्लो तरीके से होता है। देखिए मैं जब ऊपर नीचे करूँगा यहाँ पर स्क्रीन को, तो आप देख सकते हैं थोड़ा स्लो हो रहा है। लेकिन देखिए जब हम स्क्रीन रिफ्रेश रेट पर क्लिक करके जब यहाँ से 90 हर्ट्ज को सिलेक्ट कर देंगे, अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं पहले से फास्ट स्क्रॉल हो रहा है, मतलब पहले से तेजी से यहाँ रिफ्रेश हो रहा है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ 120 हर्ट्ज वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर देंगे तो काफ़ी फास्ट तरीके से देखिए यहाँ पर रिफ्रेश होगा और फास्ट तरीके से जो है स्क्रॉलिंग होगा। तो इस तरीके से आप जो है स्क्रीन रिफ्रेश का आप स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं या स्क्रीन रिफ्रेश रेट को आप जो है बढ़ा सकते हैं अपने iQube के मोबाइल में। तो अगर आपको सबसे फास्ट स्क्रॉलिंग स्पीड चाहिए तो आपको 120 हर्ट्ज को सिलेक्ट रखना चाहिए। इस तरीके से आप दोस्तों जो है स्क्रीन रिफ्रेश रेट को आप बढ़ा सकते हैं या स्क्रीन का आप रिफ्रेश स्पीड जो है इंक्रीज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।